नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। आतंक फैलाने के आरोप में PFI पर लगा प्रतिबंध। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इसके 8 सहयोगी संगठनों पर भी यह कार्यवाही की गई है। PFI को बैन करने की मांग कई राज्यों ने की थी। सरकार ने आतंकी गतिविधियों से संलिप्तता और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों से इसके संबंध होने के कारण यह कदम उठाया है। PFI और उसके नेताओं से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी के बाद सरकार ने यह निर्णय किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। केंद्र ने इस अन्य अधिसूचना के में राज्य सरकारों को उन संगठनों के खिलाफ कार्यवाही करने की का अधिकार दिया जो PFI से जुड़े हुए थे। इसके तहत उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है और संपत्ति आदि जब्त भी की जा सकती है। ज्ञात हो कि 16 साल पुराने संगठन PFI के खिलाफ मंगलवार को 8 राज्यों में छापेमारी के बाद 177 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इससे 5 दिन पहले भी देश भर में PFI से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की गई और करीब 110 लोगों को उसकी कई गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया था, जबकि काफ़ी संख्या में संपत्तियों को भी जब्त किया गया था। इसके अलावा इन 8 संगठनों पर भी लगाया गया बैन। PFI के अलावा गैरकानूनी गतिविधियों अधिनियम के तहत प्रतिबंधित संगठनों में रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन के नाम शामिल है। आयकर विभाग ने RIF के पंजीकरण भी रद्द कर दिया। CM शिंदे बोले, राज्य में कुछ गंभीर करने की साजिश रच रहा था PFI। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हिंसा के कई मामलों में शामिल PFI को प्रतिबंधित करने के केंद्र सरकार के फैसले को बुधवार को का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह प्रकाश में आया है कि संगठन राज्य में कुछ गंभीर करने की साजिश रच रहा था। CM शिंदे ने नासिक में बताया कि इस संगठन के सदस्यों ने पुणे में भी शांतिभंग करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्यवाही ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि केंद्र द्वारा 5 साल के लिए प्रतिबंधित PFI समाज के हिंसा के बीच बो रहा है। राज्य के सत्ता संघर्ष पर नवंबर में होगी सुनवाई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों की आपत्रता और 7 अन्य मामलों से जुड़ी सुनवाई 1 नवंबर को होने की संभावना है। तब तक शिंदे गुट और ठाकरे गुट दोनों इसको इंतजार करना पड़ेगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसी से जुड़े एक अन्य मामले के में केंद्रीय चुनाव आयोग को शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर निर्णय करने की अनुमति दे दी। राज्य में जारी सत्ता संघर्ष संबंधित सभी मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष में हो रही है। अक्टूबर में दिवाली समेत कई छुट्टियां हैं, इसलिए नवंबर में ही सुनवाई होने के आसार पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। तब तक चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह को लेकर निर्णय कर सकता है। इस निर्णय का सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर भी असर हो सकता है। यदि चुनाव आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है तो उद्धव ठाकरे गुट की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। राज्य में शिवसेना में बगावत की शुरुआत 20 जून से ही शामिल हो गई थी। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आइए इसे हम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।